अब मेरे प्रोग्राम में तो 90% पति अपनी पत्नी को लेकर आते, इसलिए नहीं लाते कि उसे प्यार करते, इसलिए लाते हैं खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कह नहीं पाते, मुझसे कहलवाना चाहते हैं। भाई मर्द के बच्चे हो तो खुद बोलो अपनी लुगाई, वहाँ सबकी टह बोल जाएगी। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इस देश के पतियों ने मुझे सुपारी दी हुई हो कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे, तू कह दियो हमारी तरफ से। या देखा जाए तो इस देश के पतियों का मैं अम्बेडकर हूँ, ये बेचारा शोषित समाज जो आज तक ऊपर नहीं उठ सका, इसको मेरे ही जैसे संतों की आवश्यकता है। औरतों को तो राजा राम मोहन राय मिल गए थे, पतियों को तो हजारों साल की तपस्या के बाद एक संत इस धरती पर मिला है। मैं पतियों का तो एकमात्र संत हूँ, सीधी सी बात। और आपसे क्या कहूँ साहब, समय की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में कुछ करना पड़ता। मैं हरियाणा का हूँ और हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, यूपी वाले तो मानते नहीं। अभी चुनाव में देखा था, अपन ने नहीं मानी तो नहीं मानी, अगले ने तो उसमें क्या कह रहा। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट आ, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा पूछ करके भाई। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता, यूपी वालों को नहीं होता, हमें 100 होता। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। यह है कॉन्फिडेंस, मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही कूट काट करके चलो इसको। अच्छा, मैं दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। अच्छा, मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट, ये MBA वाले क्या खा करके करें। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा इम्तहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या फतारी है। हम बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए, हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध कभी भी हम जिंदगी में नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे, ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाते रहता मुझे। 45% लिया, 95 लिया था अमरीका भाग लेता, 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता, जिंदगी भर मेरे साथ ही रहेगा। और तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, पूरे जनता का आशीर्वाद चाहूंगा। मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए हैं शायद हमको मालूम भी नहीं होगा साहब। अभी हरियाणा में कुछ साल पहले एक बच्चा गिर गया था गड्ढे में, प्रिंस। उसके बाद आगरा में एक छोरी गिर गई गड्ढे में, मैंने दोनों का रिश्ता करो, कुंडली मिल गई। वो 60 घंटे तक गड्ढे में पड़ा रहा, मेरे देश का सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 60 घंटे तक गड्ढे में पड़ा रहा। और देश किन मामलों में 60 साल से गड्ढे में पड़ा है, किसी को झांकने की फुर्सत तक नहीं मिली साहब। उस दिन हरियाणा में उस गांव में कई बाप ने अपने बच्चे कूटे, साड़ो तुम क्यों देखकर चल रहे थे, अगर आज तुम गड्ढे में गिर जाते तो हम कितना ऊपर उठ जाते, हमें ऊपर उठने के लिए भी गड्ढों की जरूरत। वैसे मेरे प्रोग्राम में कुंवारों को आने का कोई मतलब नहीं है, वो तो घर बैठे भी ही कर सकते हैं। ये तो शादीशुदा आदमी बेचारा घर में नहीं हंस पाता, सोचता चलो रात बर्बाद होगी लेकिन हंस तो लूँगा थोड़ी देर के लिए। कुछ मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ और आपका पूरा भरपूर समर्थन चाहूँगा। हाँ, अभी अपन क्रिकेट में हार गए, अच्छा हुआ जल्दी वापिस आ लिए,
और जब क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव ने, तभी मैंने उसे कहा था कपिल देव आगे से खेलना बंद कर दे तो जिंदगी भर के लिए वर्ल्ड कप अपने पास ही रहेगा, जब अपन खेलने नहीं जाएंगे तो सारा वापिस जाएगा कहाँ से। अब हर एक मुल्क से हारना पड़ता है। अच्छा, शुरू में हम हार जाएं तो बाद में इच्छा रहती है फाइनल में पाकिस्तान नहीं जीते, फाइनल में पाकिस्तान हार जाए तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम जीत गए। हमारे कमजोरी की वजह यही है कि हमने खुद मजबूत होना नहीं सीखा, बल्कि ये सोचते रहे कि दूसरा कमजोर होता चला जाए। मुझे याद है दो अफ्रीकन और एक हरियाणा वाले तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रसन्न हो गए, तीनों से कहा एक एक वर मांग लो। तो अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दो, उसे गोरा कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले भगवान मुझे भी गोरा कर दो, उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक बार मांग ले, बोले जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन साड़ों को फिर से काला कर दो बस। तो हमें नहीं जीतना साहब, बस पाकिस्तान हार जाए साहब, सीधी सी बात है। और मैं चार पंक्ति आपको देना चाहता हूं। अभी चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो लड़कर जीतने की हमें क्या जरूरत पड़ी है। हम कलाकार लोग तो सारे प्यार से जीतते हैं, हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है। और कोई इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती, चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता, मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। राजा का चरित्र नहीं बदल सकते कोई भी सत्ता में आ जाए। अच्छा लगे तो यहां से वहां तक आपकी तालियां चाहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बिचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बिचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हारती जाएगी। और पंक्ति पर यहाँ आपका समर्थन और तालियां चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बिचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी, मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। बहुत बढ़िया। और चार पंक्ति और कहना चाहता हूं, और इन चार लाइनों में घराली कह रही है, आवाज तो तेरी घराली से ही मिल रही है, मेरो मुखदर अठे भी खराब ही निकलो। घराली कह रही ए जी थे मेरी गोदी में सर रख कर लेटा हो, सीन देखो या कईया को लाग रही है। मैं बोलो मैंने तो हिया लग है, जइया विष्णु भगवान शेष नाग पर आराम कर रही है। और बहुत अच्छो तो चार लाइन और सुना रही हूं। तो अभी मैं अमेरिका गए तो घराड़ी बोली ए जी सुनी है कि थे अमेरिका जा रिया हो, पर मैं भी थारे साथ जाऊंगी। मैं बोलो बेड़ो ही गरक होवे को, अरे कोई फाइव स्टार होटल में जावे तो घर से बासी परांठा बांध कर थोड़े ही ले जावे को। और इन चार लाइनों में घराड़ी कह रही है ए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितनो प्यार करे है, थे भी अइया कर सको के। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जावेगी, पण पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जावेगी।